आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अमन के घर के पीछे एक चतुर्भुज आकार का खेत है। यदि उस खेत का विकर्ण डी और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर बनाए गए लंब एच एक और एच दो हैं, तो क्या आप उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में अमन की सहायता कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस स्थिति में हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, परंतु अमन को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं पता। आइए अमन की मदद करें। इस चतुर्भुज को देखकर आप क्या बता सकते हैं? हम देख सकते हैं कि विकर्ण BD चतुर्भुज को दो त्रिभुजों ABD और DBC में विभक्त करता है। अब सवाल यह है कि ये जानते हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? क्योंकि चतुर्भुज दो त्रिभुजों के संयोजन से बना है, तो क्यों ना त्रिभुज ABD और त्रिभुज DCB के क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कर लिया जाए, जो कि चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब क्या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकते हैं? शाबाश, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यदि हम त्रिभुज ABD में देखें, तो कह सकते हैं कि लंब AE त्रिभुज की ऊंचाई तथा BD त्रिभुज का आधार है, जिसकी मदद से हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिभुज ABD और DCB का क्षेत्रफल उपयोग करते हुए, अतः हम कह सकते हैं कि किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई गुना सम्मुख शीर्षों के इस विकर्ण पर बनाए गए लंबों के योगफल के बराबर होता है। आज इस वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे।